नमस्कार, मैं आचार्य रामगोपाल दीक्षित। क्या आप जानते हैं एक व्यक्ति के बीमार होने से देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है, वो व्यवसायी हो या कर्मचारी, किसान हो या मजदूर, गृहिणी हो या विद्यार्थी, वैज्ञानिक हो या सैनिक। अगर वह बीमार होता है तो उसकी बहुत बड़ी उत्पादन क्षमता, उसकी कार्य क्षमता दोनों प्रभावित होती है। ऐसी कम कार्य क्षमता के कारण से ही देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो राष्ट्रपति की प्रेरणा एवं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संत निरामय की भावना से आरोग्य पीठ ने शुरू की है एक बड़ी आरोग्य क्रांति। यह आरोग्य क्रांति देश के जन जागरण का बहुत बड़ा माध्यम बनेगी। इसके तहत पहले ही वर्ष के अंदर 10 लाख मरीजों का निःशुल्क उपचार करेंगे और 50,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क न्यूरोथेरेपी प्रशिक्षण देंगे। इस आरोग्य क्रांति की श्रृंखला का जो पहला कदम है वह आगामी 14 जुलाई को विशाल आरोग्य शिविर के माध्यम से प्रगति मैदान में किया जा रहा है और इस बार केवल घुटने को चुराहे यानी घुटने का दर्द का अंत तुरंत। ध्यान करना, घुटना एक बहुत बड़ी बीमारी बन गया है, महामारी बन गया है, जो घर घर में जिसको होता है वही जानता है। तो यह आरोग्य क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई से है। कमर, घुटना, गर्दन सब तरफ महामारी की तरफ से फैल रहे हैं और न्यूरोथेरेपी इनके अंदर एक बहुत बड़ा चिकित्सा का वरदान है, बिना दवा बिना साइड इफेक्ट के पूर्ण समाधान करता है। तो यह इतनी बड़ी विशाल आरोग्य क्रांति हमने सारे देश के अंदर करनी है। तो आप जैसा जानते हैं इतनी बड़ी क्रांति या इतना बड़ा आह्वान या इतना बड़ा काम बिना आर्थिक संसाधनों के संभव नहीं है और ये आर्थिक संसाधन आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो मैं आप सभी को आह्वान करता हूं कि इस आरोग्य क्रांति के लिए आप सभी खुलकर सामने आए और अपना आर्थिक सहयोग दें। संस्था को दिया आपका सहयोग, आपका दान 80G इनकम टैक्स एक्ट के तहत कर मुक्त है। दिए हुए अकाउंट के अंदर आप अपना सहयोग दे सकते हैं। तो हम सभी मिलकर, मैं आपको आह्वान करता हूं, आओ हम सब मिलकर अपने देश और समाज को निरोगी बनाएं, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत की जो हमारी कल्पना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयः की जो हमारी कल्पना है, भारत को बिना दवा बिना साइड इफेक्ट न्यूरोथेरेपी जैसी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है उनके माध्यम से जो निरोग देने की कल्पना है, हम आरोग्य क्रांति के माध्यम से सफल बनाए, यही मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।